नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश बिहार टॉप 5 में, जिसमें हम बात करेंगे आज की बिहार की 5 बड़ी खबरों के बारे में। संसद के मॉनसून सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार के कारण 170 बच्चों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चमकी बुखार से बच्चों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए शर्म की बात है और इसे हमें गंभीरता से लेना होगा। मैं राज्य सरकार से लगातार संपर्क में हूं और मुझे यकीन है कि हम सामूहिक रूप से जल्द ही इस संकट से बाहर आ जाएंगे। बता दें कि एईएस से अब तक बिहार में अलग अलग हिस्सों में 172 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की मौत मुजफ्फरपुर में हुई है। वहीं हाजीपुर, समस्तीपुर, शिवहर, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर और मोतिहारी में भी इस बीमारी से कुछ बच्चों की जान गई है। संसद की मॉनसून सत्र का बुधवार को 10वां दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों पर चर्चा जारी है। लोकसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभाषण पर जवाब दिया, तो वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भी जवाब दे रहे हैं। बात आज की दूसरी बड़ी खबर की करें तो एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में मरने वाले बच्चों के आंकड़ों को देखें तो इसमें से एक चौंकाने वाली बात निकल के सामने आ रही है। दरअसल मरने वालों में 60-65% लड़कियां हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से केजरीवाल अस्पताल में 20 बच्चों की मौत हुई, इसमें से 13 लड़कियां थी। इस बारे में एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि इस वर्ष एईएस से लड़कियां अधिक पीड़ित हैं। इसका कारण यह भी है कि गांव में अब भी लड़कों की तुलना में लोग लड़कियों पर अधिक ध्यान नहीं देते। वैसे तो पोषण को लेकर गरीब वर्ग अधिक सचेत नहीं है, लड़कियों पर तो और ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण से भी लड़कियां अधिक संख्या में इस बीमारी से पीड़ित हो रही हैं। गांव के कुछ लोगों से हमने पोषण को लेकर चर्चा की, इसमें यह बात सामने आई कि अधिकतर बच्चों ने मां का दूध छोड़ने के बाद कभी कभार ही इस पौष्टिक पदार्थ का सेवन किया। गरीब परिवार के बच्चे मिठाई किसी भोज या किसी मेले में ही खा पाते हैं। गरीब परिवार की बेटियों को तो दूध कभी नसीब होता ही नहीं है। बच्चों को पोषण देने के लिए चलने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी कुछ बेहतर नहीं है। इस कारण बच्चों को वहां नहीं भेजते, वे मां के साथ ही इधर उधर काम में हाथ बटाती है। यही कारण है कि इन गरीब परिवारों की बेटियों में पोषण का स्तर बेटों की तुलना में काफी कम है। नतीजा बीमारी का प्रकोप उन पर अधिक है। चलिए बात कर लेते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। बिहार में चमकी बुखार से हो रही मौत पर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं जेडीयू बीजेपी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं होने की खबरें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से नीतीश कुमार के इस्तीफा मांगे जाने की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर बीजेपी जेडीयू के बीच तनातनी की खबरें भी सामने आई है। हालांकि सूत्रों से सामने आई इस खबर पर दोनों ही पार्टियों ने कोई खास टिप्पणी नहीं की, लेकिन इससे जेडीयू की बीजेपी के साथ दूर दूर पास पास वाली राजनीति एक बार फिर सामने आ गई है। दरअसल जेडीयू का कई मामलों पर स्टैंड बार बार यही साबित करता है कि वह बीजेपी से दूर दूर पास पास वाली रणनीति पर चल रही है, लेकिन इसके साथ ही वह सवालों के घेरे में भी है। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बकायदा टीएमसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है और आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वह बतौर रणनीतिकार ममता बनर्जी के लिए काम करेंगे। जाहिर है कि बीजेपी के घूर विरोधी ममता बनर्जी के लिए पीके का काम करना तब तक संभव नहीं था जब तक कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इसके लिए अनुमति नहीं देते। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सांकेतिक भागीदारी की पर बिगड़ी जेडीयू ने बिहार में बीजेपी को आईना दिखा दिया। जेडीयू के 8 सदस्यों को मंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी कोटे से किसी को भी अपने मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी। वहीं चमकी बुखार की वजह से 170 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी मंगल पांडे का बचाव कर रही है। बात आज की चौथी बड़ी खबर की करें तो बिहार के वैशाली जिले में दिमागी बुखार यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से हुई बच्चों की मौत के बाद न्याय की मांग करना लोगों को भारी पड़ गया। लोग दुखों का पहाड़ झेल ही रहे थे कि प्रशासन ने उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवा दिया। 18 जून को वैशाली जिले के हरिवंशपुर गांव के कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने के आरोप में पुलिस ने 19 नामजद लोगों और 20 गैर नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। प्रशासन ने इस मामले में हरिवंशपुर गांव के 39 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। घर की महिलाओं का कहना है कि पुलिस केस दर्ज होने के बाद परिवार के पुरुष सदस्य गांव छोड़कर भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं घर में चूल्हा उपास है और खाने के लिए लाले पड़ गए हैं। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। महिलाओं का कहना है कि दिमागी बुखार के कहर से हमारे बच्चों की मौत हो गई। घर में जो कमाने वाला था उसी के खिलाफ प्रशासन ने केस दर्ज किया। अब घर में रोटी के लाले पड़ गए हैं। चलिए रुक कर लेते हैं आज की पांचवी बड़ी खबर की ओर। पटना शहर के अगमकुआं थाना के अंतर्गत कुम्हरार इलाके में बीती रात एक अनियंत्रित एसयूवी ने फुटपाथ पर सो रहे 4 बच्चों को कुचल दिया, जिसमें 3 बच्चों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चे का पांव टूट गया। अपर पुलिस अधीक्षक बलराम चौधरी ने बताया कि इस हादसे में एसयूवी चालक की भी मौत हो गई है, जबकि एसयूवी में सवार गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति और घायल बच्चे को इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर सड़क को जाम कर दिया,
चौधरी ने चालक की आक्रोशित लोगों द्वारा की गई पिटाई से मौत होने से इनकार करते हुए कहा है कि हादसे में बुरी तरह जख्मी होने के कारण उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने आक्रोशित लोगों द्वारा घटना स्थल पर पहुंची पुलिस पर पथराव किए जाने से भी इनकार किया है। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।